हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित बहादुरपुरा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों का रिजल्ट सही नहीं होने पर ग्रामीणों और स्कूल के छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को सही तरीके से अध्ययन नहीं करवाया गया और पढ़ाई करने में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते कई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। बच्चे सही अध्ययन के अभाव में फेल हो गए। बहादुरपुरा के ग्रामीणों ने बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर आज सुबह से स्कूल में ताला जड़ रखा है और स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षा अधिकारी सोहन सिंह और सतीश पुरोहित गिरवर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है, ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रही है। ग्राम पंचायत से मैंने लेटर पेड पे जिला कलेक्टर, SDM साहब, तहसीलदार, MLA साहब, जिला अपने राज्य मंत्री सबको हमने यहाँ से मतलब लेटर लिखा, उसके बाद ज्ञापन भी दिया है जिला कलेक्टर के नाम से, तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी देने के, ज्ञापन भी देके आए, उसके बाद ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे स्टाफ लाके तो ये बस पूरे दिन व्हाट्सएप भी चलाते रहते, खेलते रहते पूरे दिन, सोते रहते, स्कूल पूरे दिन ज्यादा बारिश आ गई तो स्कूल भी पूरी गिर जाएगी। तो इनको इस स्थिति, इनको आज प्रदर्शन में नौबत क्यों आई, क्यों इनको ये आक्रोशित होना पड़ा? इनको अच्छे विद्यालय का परीक्षा परिणाम खराब था, इसलिए जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। प्रयास करेंगे कि आगामी सत्र में विद्यालय प्रशासन सचेत होकर अच्छा रिजल्ट देंगे। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।